Hello everyone, my name is Yogesh Yogendra. I am incoming software engineer at Accolite. So yeah, before getting into the video, let's talk about something very important. Newton School has recently launched a completely online MS program in association with the Europe's MIA University. As you all know, that the Newton School is dedicated to helping students to become a full-stack developer and also get them placed at some of the best companies in the country. But now Newton School has gone one more step further with this MS degree program. If you're a working professional or a student interested in pursuing the master's in computer science but don't want to deal with the burden of high college fees, don't worry, as Newton School is now offering a special one-year master degree completely online, allowing you to work and study from your home. By having an online degree by the European university and accepted all across the world, you will be able to equip yourself with a valuable skill set while taking your career to the next level in India and abroad. If you wish to improve your chances of success in the computer science industry, there is no better time than today. For more information on how Newton School can offer this incredible opportunity, check out this website, and trust me guys, this MS program could prove to be a turning point in your career. So my friends, what are you waiting for? Check out the link in the description box and register, then an expert from the Newton School will contact you directly. So hey everyone, this is Yogesh, welcome back to the channel. So yeah, today we are going to talk about maps, okay? So STL ka series hai, bahut starting se chal raha hai. We have covered map, set, vector, pair, queue, DQ, map, map nahi yaar, stacks, ठीक है? तो ये सब लोग कर चुके हैं, प्रायोरिटी की सब कर चुके हैं. आई थिंक आज हमारा मैप्स होने वाला है. सो यार मतलब जोड़ लगा दो, मजा आएगा तुम्हें समझने में. इफ यू न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नॉट वेट फर्स्ट व्हेन वी अपलोड आवर न्यू वीडियोस. और मतलब लाइक मार देना, फिर वीडियो को एंड तक देखो, लाइक मार देना, मजा आएगा, ठीक है? सो यार यू कैन विजिट आवर चैनल. सो यार वी हैव अपलोडेड वीडियोस ऑफ ओप्स, C++ प्रोग्रामिंग, STL तो चल ही रहा है, पाइथन प्रोग्रामिंग और DSA विद C++ कोर्स हमारा होने वाला है, ठीक है? तो STL का तो हम लोग करेंगे, ओके? सो या दैट्स इट. सो चलो बड़ा स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट इज मैप? तो मैप बेसिकली क्या होता है? पहले हमने सेट देखते हैं. सेट हमारे हमने आई थिंक प्रीवियस वीडियो हमने देखा था. सेट में क्या था हमारा? शॉर्टेड ऑर्डर में रहता है, राइट? शॉर्टेड ऑर्डर और यूनिक एलिमेंट्स, रहता है, राइट? मैप का फंडा क्या है? मैप का फंडा हम लोग का क्या है? मैप में क्या होता है? सिर्फ मैप की बात करें तो शॉर्टेड ऑर्डर रहेगा, ठीक है? शॉर्टेड ऑर्डर, ओके? एंड सेकंड इज दैट यहाँ पर हमारा हैशिंग का इंप्लीमेंटेशन होता है, ठीक है? एट द बैक एंड हैशिंग इंप्लीमेंटेशन हो रहा होता है. तो हम मैं बताऊंगा, सिर्फ हैशिंग नहीं बोलूंगा, बिकॉज हैशिंग से बोलूंगा तो तुम लोग बोलोगे अनऑर्डर मैप क्या होता होगा, बताता हूँ, रुक जाओ. तो लेट्स, और शॉर्टेड भी नहीं बोलता हूँ, नॉर्मल बोलता हूँ, ओके? लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मल मैप. तो मैप में बेसिकली शॉर्टेड बोल देते हैं, बिकॉज यार शॉर्टेड मैप होता है, ओके? एंड सेकंड थिंग इज दैट यहाँ पर जो हमें यार की वैल्यू पेयर स्टोर करना है, ठीक है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी आर गोइंग टू स्टोर की वैल्यू पेयर देन वी यूज यार मैप, ओके? देन वी यूज मैप. अगर यार हमें सिर्फ कीज, सिर्फ वैल्यूज को स्टोर करना है तो हमारा भाई, तो हमारा सेट तो भाई परफेक्ट है, सेट यूज करो. बट इफ वी वांट टू स्टोर कीज एंड वैल्यूज, इफ यू आर गोइंग टू स्टोर लाइक दिस, देन वी यूज यार मैप, ओके? सो चलो देखते हैं मैप हम लोग कैसे करने वाले. बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, पहले मैप एंड अनऑर्डर मैप का डिफरेंस देखते हैं. ये हमारा मैप हो गया, हमारा अनऑर्डर्ड मैप हो गया. लेट्स सी डिफरेंस बिटवीन मैप्स एंड अनऑर्डर्ड मैप्स. तो मैप हमारा होता है शॉर्टेड, अनऑर्डर्ड मैप क्या होता है? अनशॉर्टेड, ओके? मैप का बैकएंड इंप्लीमेंटेशन है BST, अनऑर्डर्ड का है हैशिंग, ठीक है? मैप का BST, अनऑर्डर्ड मैप का हैशिंग. इसमें हमारा ऑर्डर ऑफ लॉग एन फॉर तुम्हारा एवरेज केस, यहाँ पर हमारा ऑर्डर ऑफ वन फॉर एवरेज केस. मैप में सर्च वगैरह जो भी, ठीक है? यहाँ पर हमारा वर्स्ट केस, तो सबका ऑर्डर ऑफ एन होता है यार, सबका ऑर्डर ऑफ एन होता है, ओके? सो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन मैप्स एंड अनऑर्डर्ड मैप्स, ओके? सो लेट्स सी द सिंटैक्स ऑफ मैप. चलो देखते हैं मैप को सिंटैक्स कैसे हो रहा है, चलो देखते हैं हम लोग, ओके? सो या आई हैव रिटन हियर, तो लिखेंगे उस मैप, लिखो यहाँ पर इंट कॉमा इंट, बिकॉज की वैल्यू पेयर होता है मैप, सिंपल. मैप ब्रैकेट में इंट कॉमा इंट, हो गया मैप डिक्लेयर, ठीक है? नाउ अब हमें बंदे को इंसर्ट करनी है, तो कैसे करेंगे? चलो करते हैं. मैप डॉट इंसर्ट, यहाँ ब्रैकेट, मान लो मैं 1,2 लिख दिया, ठीक है? तो यहाँ पर यार 1,2 मेरे मैप में चला जाएगा, ठीक है? वन मोर वे इज दैट हम लोग क्या कर सकते हैं? मैप ऑफ, मान लो यार मैं लिखा मैप ऑफ 3 = 5, लाइक दिस ऑल्सो वी कैन इंसर्ट. तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, मेरा जो की है, की इज हमारा 2 एंड वैल्यू इज आवर 2, ठीक है? हमारा की 1 है, वैल्यू 2 है. अगर मैं यहां की बात करूं तो की हमारा है 3 और वैल्यू है हमारा 5, ठीक है? सो लाइक दिस. तो मैप ले ले इंट कॉमा इंट, मैप डॉट इंसर्ट, ब्रेसेस में 1,2 लिख रहा हूं तो इसका मतलब मेरा की हो गया 1, वैल्यू हो गया 2। जब मैं m ऑफ 3 = 5 लिखा हूं तो मेरा की हो गया 3, वैल्यू हो गया 5, करेक्ट। तो ये हमारा सीन है इंसर्ट करने का मैप में, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं बहुत सारे बंदे को इंसर्ट कर लूँ तो मैप ऑफ 4 = मान लो 8 कर लिया, मैप ऑफ 2 = 20 कर लिया, ठीक है। ऐसे मैं कुछ बंदे को ले लिया, ठीक है। तो यार मैं तो यहाँ पर शॉर्टेड ऑर्डर में लिखा नहीं हूँ ना 1 3 4 2, तो अगर मैं सिर्फ नॉर्मल मैप लिखा हूँ तो ये शॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करेगा। लेट्स सी दैट। तो मैप को आइटरेट कैसे करेंगे, तो फॉर लूप चलाओ, ठीक है। मैं चला रहा हूँ ऑटो ऑपरेटर से, ऑटो एक्स मैप, ठीक है। एंड या आई एम प्रिंटिंग x.first x.second, ठीक है। अरे यार स्पेलिंग गलत हो रही है, यहां पर एक मिसिंग हो गया ब्रैकेट। ओके सो लेट्स रन दिस कोड। तुम लोग देख सकते हैं हमारा आउटपुट यहां दिख रहा होगा। तो या तो देखो यहां पर यार, देखो पहले मैं 1 लिया था, फिर 3 लिया, फिर 4 लिया, फिर लास्ट में 2 लिया, मतलब शॉर्ट ऑर्डर में नहीं लिया हूं। आउटपुट देखो यार की के हिसाब से सॉर्ट होता है। सो यहां पर डेटाज आर शॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द कीज, शॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द कीज, ठीक है। कीज के रिस्पेक्ट में शॉर्ट हो रहा होता है, ठीक है। यहां देखो पहले आया 1 आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। वैल्यू कैसे भी है, वैल्यू से मतलब नहीं है हमें, कीज से मतलब 1 2 3 4 लाइक दैट। ओके सो अकॉर्डिंग टू द कीज वी आर शॉर्टिंग द मैप, मतलब मैप शॉर्ट क्या कर रहा है, मैप शॉर्ट होता है वैसे, ओके। बट मैं अगर अनऑर्डर्ड मैप ले लूं तो यार पूरा उल्टा हो जाएगा। उल्टा बेसिकली क्या मतलब, कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा, कुछ भी हो सकता है, ORDERED, ठीक है। ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। सो देखो मैं रन कर दिया कोड को, तो देखो कुछ भी हो गया 2 4 1 3, मतलब ये कोई ऑर्डर ही मेंटेन नहीं हो रहा है। 2 4 1 3 कुछ किसी भी ऑर्डर में हो गया, बिकॉज हमारा अनऑर्डर जो मैप है वो तो हमारा बेसिकली क्या है, अनशॉर्टेड, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑर्डर अनऑर्डर्ड कुछ भी ऑर्डर में हो सकता है, ठीक है। तो वही यहाँ 2 4 1 3 आ गया, ओके। सो यार वही यहाँ पर सिर्फ मैं मैप लिख देता हूँ। अब यार देखो मैं यहाँ पर इसे प्रिंट तो करके दिखा दिया, राइट। चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं और कुछ इसे कमेंट कर देते हैं, एक बार से कमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। लेट्स मूव ऑन। अब यार यहाँ पर देखो मैं फंक्शन का नाम लिखा हूँ, मैं लिखा हूँ यार फाइंड फंक्शन, ठीक है। इंसर्ट देख लिए, लेट्स डू अ फाइंड फंक्शन। फाइंड कैसे करेंगे, तो कैसे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग लेंगे ऑटो एक्स वैल इक्वल्स टू, मैं लिखा मैप डॉट फाइंड। चलो यहाँ पे क्या 4 को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वैल में मेरा क्या हो जाएगा, आइटरेटर आएगा 4 का, करेक्ट। 4 का मुझे आइटरेटर मिल जाएगा वैल में। नाउ लेट्स प्रिंट दैट। प्रिंट करते हैं तो कैसे प्रिंट करेंगे, एरो ऑपरेटर से, बिकॉज हमारा ये आइटरेटर है, ठीक है, पॉइंटर टाइप है, तो एरो ऑपरेटर नॉट डॉट ऑपरेटर। चलो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेकंड प्रिंट करते हैं, ठीक है। दोनों प्रिंट करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। लेट्स प्रिंट बोथ। हमारा मैं लिखा वैल, ठीक है, दोनों प्रिंट करते हैं तो 4,8 आंसर आएगा, 4 स्पेस 8। तो या वी कैन सी इन आउटपुट हमारा 4 और 8 दोनों प्रिंट हो रहा है, करेक्ट, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं यार यहाँ पर, मतलब ये तो हमें आइटरेटर मिला, वैल्यू प्रिंट किया है। और इस तरीके से कर सकते हैं, हमें चेक करना होगा, इफ मैं चेक कर रहा हूँ दूसरे तरीके से कि हमारा है कि नहीं है। मैं चेक कर सकता हूँ एम डॉट फाइंड, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 को चेक कर रहा हूँ not equal to m.end, ठीक है। ये हमारा आइटरेटर रिटर्न करता है ना। चलो देखते हैं अगर होगा, प्रेजेंट एज एब्सेंट, ठीक है। रन करते हैं तो हमारा प्रेजेंट है 1, तो रन करेंगे तो प्रेजेंट आंसर आएगा। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पर मैं रन कर रहा हूँ, मान लो 5 को सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सर्च दिस, तो एब्सेंट आंसर आएगा, तो एब्सेंट। मतलब बेसिकली हुआ क्या, हमने क्या कि मैप डॉट फाइंड, अगर देखो हम लोग यहाँ फाइंड कर रहे हैं, अगर फाइंड हो जाता है तो उसका वो आइटरेटर रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर 3 को सर्च किया तो 3 का आइटरेटर रिटर्न करेगा, अगर 3 मिल जाता है, ओके। एज वी कैन सी दैट हियर वी आर सर्चिंग 5, हम लोग 5 को सर्च कर रहे हैं, तो 5 तो यार हमारे मैप में है ही नहीं, 5 इज नॉट देन आवर मैप। तो वो क्या करेगा, वो एंड में जाके पॉइंट करने लगेगा, मतलब यार जो एम डॉट एंड होगा वो क्या करता है, जो लास्ट बंदा है उसका जो बाद वाला लोकेशन है वहां पॉइंट कर रहा था एम डॉट एंड, तो वो उसे पॉइंट करने लगेगा, अगर हमारा पूरे वेक्टर मतलब पूरे मैप में नहीं मिलता है तो, ठीक है। तो सीन वही हुआ, ये हमारा बराबर हो गया, तो इफ कंडीशन फॉल्स, एल्स में गया एब्सेंट, ठीक है। तो ये सीन हमारा हो गया इंसर्ट एंड फाइंड। नाउ वन मोर वे इज टू चेक वेदर हमारा बंदा इज अवेलेबल और नॉट। यार ये देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है, तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ तुम क्या करो, सिर्फ एम ऑफ फोर लिखो और बस रन कर दो। क्या होगा तो प्रेजेंट वरना एब्सेंट। तो प्रेजेंट एम ऑफ अगर नहीं है कुछ 10 सर्च करो तो एब्सेंट आएगा। रन करते हैं कोड को तो एब्सेंट आंसर आएगा। तो एब्सेंट आंसर मतलब यार ये दो तरीके हैं। एक तो मैं बताया कि हमारा एम डॉट फाइंड नॉट इक्वल टू एम डॉट एंड करो, वो तरीका है। डायरेक्टली एम ऑफ दैट कर लो, एम ऑफ 10, एम ऑफ 20 डायरेक्टली कर लो, तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, तो दो तरीके से हैं सर्च करने का। तो मैप बेसिकली हम लोग इसीलिए यूज करते हैं, मतलब काउंट स्टोर करते हैं। ठीक है, हम लोग मैप को ऐसा भी कुछ बना सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ हमारा मैप, हमारा इंट कॉमा वेक्टर मैप। ठीक है, हम लोग ऐसा भी कुछ बना सकते हैं। ठीक है, मतलब मैप इंट कॉमा वेक्टर। अभी आपको कुछ दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। इफ यू वांट टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी, हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल एक एरे से। एरे मान लो ऐसा कुछ है 1 1 1 1 2 3 3 5 5 5 5 5। ठीक है, तो 1 का काउंटर कितना है 4, 2 का काउंटर कितना है 1, 3 का काउंटर कितना है 2, 5 का काउंटर कितना है 5। सो यार ये सब चीज हम लोग कर सकते हैं यूजिंग मैप। ठीक है, काउंटर यूज स्टोर करना है। अगर मुझे इंडेक्स स्टोर करना है तो लेट्स राइट द इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इंडेक्स स्टोर करो तो कितना होगा आंसर, 1 का क्या क्या इंडेक्स है 0 1 2 3। ओके, 2 का इंडेक्स क्या है 4, बस 4 ही है। ये लास्ट में कॉमा हटा देते हैं। ओके, फिर हमारा आया 3, तो 3 कहाँ का है 5 6, और हमारा 5 कहाँ का है 7 8 9 10 11। ओके, सो या ऐसा कुछ सीन हो रहा है। तो ये हमारा हो गया मैप ऑफ वेक्टर्स। देखो, फॉर ईच एंड एवरी की वी हैव अ वैल्यू दैट इज अ वेक्टर। फॉर ईच एंड एवरी की वी हैव अ वैल्यू विच इज अ वेक्टर। यहाँ पर देखो यार हर एक की का एक वैल्यू, हर एक की का एक वैल्यू, हर एक की का एक वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ इंट कॉमा इंट लेने से काम हो गया, इंट कॉमा इंट। बट फॉर दिस एग्जाम्पल वी हैव टू टेक इंट कॉमा वेक्टर। ओके, बिकॉज हमारा जो वैल्यू है वो एक वेक्टर है। ठीक है, इंट कॉमा वेक्टर। सो या दैट्स द एप्लीकेशन हमारा ऑफ ये इंट कॉमा वेक्टर मैप को लेने के लिए। ठीक है, तो यार इंसर्ट फंक्शन देख लिया, ऐसे कर सकते हैं, नॉर्मल ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। आइटरेट करने के नॉर्मल ऐसा आइटरेट कर दो, एक्स डॉट फर्स्ट, एक्स डॉट सेकंड। एम ऑफ फाइंड हमारा डॉट फाइंड से कर लो या हमारा डायडलू से ऐसे लिख दो। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। तो या दीज आर द फंक्शंस व्हिच वी यूज इन अ मैप। अब मैं एक अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी निकाला। अब यार देखो मैं ऐसा कुछ एरे ले रहा हूँ 1 2 2 2, फिर हमारा 5 9 9 9 9 9 9 9 20। दिस इज आवर एरे। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो तुम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एरे अगर तुम बनाते हो, अगर तुम फ्रीक्वेंसी एरे बनाते हो तुम नहीं बना पाओगे, बिकॉज यू हैव टू चेक कि हमारा इसमें जो अपर बाउंड है कौन सा है। यू कैन सी दैट जो हाईएस्ट लिमिट है बंदे का वो ये है 5 9 9 9 9 9 9 9 9। तो एरे को हम लोग मैक्सिमम क्या बना सकते हैं, the maximum size the array can be declared is 10 to the power 6 inside main function and 10 to the power 7 outside the main function. ठीक है, तो तुम यार 10 to the 7 भूल ही जाओ, 10 to the 6 ही मान के चलो। तो हम लोग बोल सकते हैं यार 10 to the power 6 का हमारा array का size हो सकता है maximum। ठीक है, उससे लंबा हम लोग ले नहीं सकते। यहाँ देखो यार 1 2 3 4 5 6 7 और एक 9 लगा दो 8। ठीक है, तो मतलब 7 8 साइज का और एक 9 लगा दो, तो जितना बड़ा नंबर लोगे एरियर उतना बड़ा साइज बनाना होगा, बट उतना बड़ा बना नहीं सकते। मैक्सिमम 6 या वर्स्ट केस 7। तो यहाँ पर यार मैप का फायदा होगा ना, 1 का काउंटर यहाँ 1 ऐसे लिख दो, 2 का काउंटर ऐसे 3 लिख दो, ये 5 ये 9 9 9 9 9 डॉट डॉट डॉट, इसका काउंटर 1 लिख दो, 20 का काउंटर 1 लिख दो। यहाँ फायदा हुआ ना मैप यूज करने का, यहाँ मैप यूज कर लिया। यहाँ पर तुम फ्रीक्वेंसी एरियर बनाने जाओगे तो बनेगा ही नहीं कि यार यहाँ पर जो ये है बंदा, ये जो बंदा ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा यहाँ साइज हो सकता है, नहीं हो सकता। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो वी आर गोइंग टू यूज अ मैप। ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज अ मैप। अब मैप यूज करेंगे तो इसलिए यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, 1 को स्टोर सिर्फ बंदे लोगों को स्टोर करते हैं हम लोग जो हमारा अवेलेबल है, बाकी स्पेस वेस्ट नहीं होगा। इस एरे में स्पेस वेस्ट होता, बट इस मैप में स्पेस वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो या दैट वाज एवरीथिंग। आई थिंक अनऑर्डर्ड में बता दिया, खाली यहाँ स्टार्टिंग में अनऑर्डर्ड लगा तो काम हो गया। बस यही डिफरेंस हमारा है, अनऑर्डर्ड मैप हमारा हो गया अनसॉर्टेड, ये सॉर्टेड, हैशिंग, बीएसटी, वन लॉगिन, बस दैट्स इट। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट मैप्स, और कुछ छोटे मोटे एसटीएल बचे हुए हैं, लोअर वन, अपर वन, बाइनरी सर्च बचा हुआ है, और भी कुछ बचे हुए हैं, बता देंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और उससे जाने से पहले लाइक मार देना वीडियो, सही मजा आया हो, सही में कुछ अगर सीखने मिला हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा।